तो मेहंदी मेरे को लग गई है। मन कर दिए अल्लाह कैसे आप सभी आए हो? आप ठीक होंगे एंड मजे में होंगे। वैसे तो हम लोग तो बहुत हैप्पी है क्योंकि हम लोग जाने वाले 31st के लिए अजमेर, और आफ्टर 2 ईयर्स हम लोग जाने वाले अजमेर। वैसे हम हर साल जाते हैं 31st में ही, लेकिन 2 साल से लॉकडाउन के सिचुएशन एवरीबॉडी नोस, उस वजह से हम लोग जा नहीं पाए। और 2 साल के बाद इस साल हम लोग का जाना फाइनली पक्का हो गया है, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब आएगा दिसंबर, कब आएगा, एंड फाइनली वो दिन आ गया। और 2 ही दिन बचा है पैकिंग के लिए भी, और मैंने उस दिन रुजैन के बर्थडे के ब्लॉग में आप लोगों से बोला था ना कि ये बैग्स मैंने निकाले हैं क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। और मैंने जितने भी मार्केट्स में मतलब अजमेर के लिए जो शॉपिंग किया वो भी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी, और अजमेर की हम लोग करेंगे पैकिंग। तो अभी नाइट में डिसाइड की क्योंकि पूरा दिन तो यहाँ वहाँ से मतलब शॉपिंग में कुछ ना कुछ बाकी है, वो लाने जाते फिर प्लस घर का काम, बच्चे वो लोग की स्कूल ट्यूशन। वैसे स्कूल की हॉलीडे स्टार्ट हो गई आज से ही, 24 से ही हो गई है, और आज है 25, खत्म हो गया फाइनली, मतलब वो भी दिन खत्म। तो 26-27 दो ही दिन बचा है, 2 दिन में सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करना है, और ये बच्चे भी है, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब जो पैकिंग का होता है ना वो मैं नाइट में करो अपना अपना। रुको रुको छीनो मत, रुको, ये एक पिंक है, ब्लू है, रुको लाडो कौन सा ली, पिंक लेके भाग गई, और ब्लू इसको दे, ऑरेंज तेरा फेवरेट कलर है, मिजान का फेवरेट कलर ऑरेंज है इसलिए मैंने ऑरेंज लिया। आपने कौन सा कलर लिए बताओ? पिंक। रुजैन आपने? ऑरेंज। और मिजान? येलो का। चालू है नाइट का ब्रश, चलो हुरैन कैसे करते ब्रश। वो बैग की बात नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली हम लोग के 2 बैग है, और 2 बैग में 3 बच्चों के कपड़े प्लस हम दोनों के, 5 लोगों के कपड़े, वो भी रहना है कुछ कम्प्लीटली। आप पकड़ो ना, 3 तारीख को हम लोग रिटर्न आने वाले हैं, 3 तारीख को वहाँ से बैठेंगे, और 4 तो 5 से 6 दिन हो गए, 5 से 6 दिन के एक एक 5-6 जोड़ी कपड़े, फिर नाइट के 1-2 ड्रेस, मतलब पकड़ लो आप 7 जोड़ी रहेंगे। तो वो कैसे एडजस्ट करना है ये 2 बैग में 5 जन के, तो लेट्स सी क्या करेंगे हम लोग। और फिर वसीम को ऐसा है कि आप ज़्यादा बैग मत करो क्योंकि बहुत उनको ही प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि हुरैन ऑलरेडी छोटी है तो वो गोद में रहती है, तो बैग फिर खींचना, फिर बच्चे, फिर इसलिए 2 बैग में हम लोग सोच रहे कि कैसे भी मैनेज हो जाए। क्या कर रहे हैं बच्चे? रुजैन बताओ हो गया? तो ये वाले 2 बैग है, देखो ये दोनों, ये एक बैग है और ये वाला एक बैग है। हाँ अभी ये पूरा कपड़ा गीला करके, इसको भी भाई लोग की तरह ब्रश करना था और पूरा गीला होना था खुद से, रात भर ये लोग जागते हैं। तो ये एक बैग है और ये एक बैग है, लेट्स सी कैसे एडजस्ट करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो सब जैकेट्स है ना इससे ही तो पूरा फुल फुल हो जा रहा है। पहले मैंने पिंक कलर का बैग लाई थी, ये सब अभी से पहन के घूम रही है। रुजैन के लिए कार वाला, इसके लिए स्पाइडरमैन। लाडा आपका दिखाओ, पलट के दिखाओ आपका पिंक बैग यूनिकॉर्न। हाँ बैठ गई है इस बैग में, हम लोग कैसे कपड़े रखने का। अब उसको वसीम ट्राई कर रहे कि फ़ोन दे दे, और ये 5 मिनट के लिए कुछ टाइम के लिए हम लोग को काम करने दे दे। तो ये इसमें आके बैठ गई थी, तुम इसमें क्यों बैठ रहे लाडो? हाँ? ये क्या है? बैग। तो बैग में कोई बैठता है? हाँ? बैग में कोई बैठता है? नहीं। ये सब रुजैन का है ना? ये सब हुडी देखो, ये हुडी जीन्स, ये सेट बना बना के उन्होंने रखा है, 1 सेट 2 सेट 3 4। ये 5 हाँ। तो ये रुजैन का नहीं है ना इसमें? यहाँ सब रुजैन के। ये लोग को देखो, जब तक हम लोग है ना करते रहेंगे ना काम, ये बच्चे ना जागते रहेंगे। देखो वैसे सब नहीं दिखा पाऊंगी कि मैंने क्या कहाँ से लिया है क्योंकि वसीम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे और बहुत फटाफट से बैग में रखते जा रहे हैं।
ये एक लाइन पूरी हो गई मिजान हुसैन की। अभी यहाँ पे देखते हैं उरेन का क्या क्या आता है और फिर बच्चे लोग के और भी आइटम्स है। ये क्या है? वो तो ऐसे एवरीडे वाली ट्रैक्स। एक ट्रैक टी शर्ट उरेन का वहाँ रखे, हुडी हुडी और वो। हाँ ये भी मैंने ली थी उरेन के। स्वेट के कपड़े ही ज़्यादा लेना पड़ा और ये स्पेस थोड़े ज़्यादा लेते हैं ना। अच्छा ये लोग के इसमें जगह बचेगी तो हम लोग का कुछ सामान आ जाएगा ना। ये भी अमेज़ॉन के लिए ये लिया था। अच्छा ये ट्रेन में नहीं लगेगा क्या, तुम बोलो। ये जिपर तो इसको क्या करना चाहिए? जिपर का एक जिपर का बाहर रखेंगे, ले लेंगे ना। एक बैग में जिपर का रख देंगे, ठंडी वाले कपड़े ये सब, जैकेट वैकेट सब है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग? मैं क्या बोल रही हूँ कि ना जिपर है ना नहीं काम आएंगे तो कभी ज़्यादा ठंडी रही तो हम लोग सॉक्स और टोपी वो सब तो रहेगी, वो ऊपर रख सकते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जिपर का एक बैग है ना बना लेंगे अपन। नहीं एक काम सब नहीं करना है, इसमें अरेंज कर देता हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो अपन खोल के निकाल भी सकते हैं। अबे तो क्या हो गया, चेन वाला है इसको थोड़ी ना अपने को तिजोरी है लॉक। जैसे ये जिपर है देखो ये कितना मतलब मिजान का है। अब ये एकदम बहुत स्मॉल फोल्ड कर रहे वसीम, इसमें आ जाए बस। कभी वो सोच रहे कि ट्रेन में लगेगा क्या, और मेरा बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग ट्रेन में सॉक्स और टोपी और ब्लैंकेट्स अच्छे से कवर करेंगे तो शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या। चलो एक तो आ गया, नहीं पड़ेगी। अच्छा एक और चीज़ है कि बच्चे लोग ट्रेन में तो चलो स्लीपर्स पहनेंगे, बट ये लोग के जो सब शूज़ है वो सब कैसे रखना है? वो भी थैली लाओ ना, थैली में शूज़ डाल देते हैं। इसमें ही रख देंगे ना बैग में? हाँ क्योंकि बैग में रख देंगे अभी तो फिर बाद में का टेंशन नहीं है। ये उरेन का जिपर है, उरेन का और वसीम का सेम जिपर है। शूज़ ये लोग के रेडी है, बस खाली लेस तुमको डालनी पड़ेगी। शूज़ है जो वसीम ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिए थे, मैं ये वाला लेके जाने वाली हूँ। सोच रही हूँ ट्रेन में पहनने के लिए यूज़ करूँ कि क्या करूँ, पता नहीं, देखते हैं। अभी कंप्लीट हुआ ये, देखो किस कितना फटाफट लेस डालने आता है। क्या बोल रहे तुम? चाय बनाओ अभी, काली चाय के बिना सो जाओ ना। नहीं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बना लेते काली चाय, वसीम की काली चाय, क्योंकि उनको उसके बिना नहीं आती है। काली चाय पीना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लाइट नहीं आ रही क्योंकि किचन की लाइट मैंने बंद करके रखी है। कैसे बनाती हूँ काली चाय? मैंने इसमें 2 कप के करीब मतलब 1.5 कप इसमें मैंने पानी डाला है और फिर उसके बाद मैं 3 से 4 चम्मच शक्कर, जितनी भी आप मतलब मीठी पीते हो उस हिसाब से शक्कर डाल दो इसमें। इसमें 1 कप 2 कप स्मॉल वाले 2 कप चाय बन जाती है आराम से। और कुछ दाने मैंने इसमें चाय पत्ती के डाले हैं, बस कुछ 5-6 दाने ही डालने हैं और ज़्यादा नहीं डालनी है। आप हाथ से मतलब चुटकी से डाल देना और इसको बॉईल कर लेना है 2-3 बॉईल में। और फिर इसमें मैं मिंट भी डाल दूँगी, पुदीना भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से जोश आना चाहिए, 2-3 बार इसमें बॉईल आ जाएगा तो बस बंद कर लेना है। काली चाय रेडी है, बहुत जल्दी से झटपट से बनती है और अच्छी भी है ये। मतलब रात के टाइम पीना, खाना खाने के बाद जैसे कुछ ऑयली फूड खाते हैं तो ये अच्छा है पीना, और मिंट वगैरह है तो और ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें मैं ये देखिए इसमें बॉईल आ गया, अभी मैं इसको बंद कर दूँगी तो चाय रेडी है। काली झटपट से बन जाती है और अच्छी भी रहती है हेल्थ के लिए। अगर चाय पीनी है तो ये वाली। अभी मैं निकाल लेती हूँ उसको कप में, और मिंट आ भी जाएगी चाय में तो अच्छा ही है खाने में, तो मैं मिंट ले रही हूँ क्योंकि वसीम को पसंद है। पुदीना क्योंकि ये अच्छा है डाइट के लिए, एसिडिटी नहीं होती है उससे, ठंडक होती है, गले में जलन वलन नहीं होती है। और ये 2-3 ड्रॉप मैं इसमें लेमन के डाल दूँगी, 3-4 ड्रॉप डाल दी तो रेडी है काली चाय, लेमन वाली और मिंट वाली। एक बैग तो पैक हो गया, मतलब एक ही बैग में वसीम ने बच्चे लोग के भी मेरे भी सब आ गए एक ही बैग में। अब ये वाला बैग ओपन किए हैं, ये वाला जो मैंने लेके आई थी चोर बाजार से, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था चोर बाजार के ब्लॉग। अब ये बच्ची इसमें भी सोने के लिए आ गया। अम्मा तुमको नींद आ रही है? हाँ।
तुम सोएंगे? शी नोजी नोजी मत करो, सो रहे तुम बैग में ही सो रहे। सोने जाएंगे तो 3 बजे तक सोते नहीं है, लेकिन ऐसे काम के टाइम नींद ही आ रही है देखो। अरे अब्बा ने उठा के तो ये बच्चे को बैग में ही डाल दिया, अब बंद कर दिए। अल्लाह उठ गई, घबरा के उठ गई। लेटो बंद करता हूँ तुमको, अब नहीं बैठेगी, अब भाग जाएगी। लेटो बंद करता हूँ। अच्छा आइडिया था। क्या है फिर से आए बच्चा वसीम सोने का? इसको बैग आप नहीं सोए जाओ। ये किसका है? इसको तुमको वैसे ही रखना पड़ेगा, सुला ऐसे जैसे मिजान रुजैन का रखे वैसा आ जाएंगे। अल्लाह अब मैं बंद कर दूंगा तेरे। बैग में ना चेन और इतनी स्पेस भी है तो इसमें काफी। फिर आ गए दोनों बैग हम लोग ने पैक करके रख दिए हैं, क्योंकि इतना अभी हो गई रात, अभी 1:30 बज रहा है, पता है 1:30 बज गया और ये लोग भी जा गए हैं। तो अभी फ़िलहाल इतना स्टॉप किए रात के लिए, देखते हैं मॉर्निंग में क्या काम बचा है। मुझे मेहंदी भी लगानी है कल, इसलिए पैकिंग का हो जाए तो जो थोड़ा मोड़ा अभी और आते रहेगा सामान, उसमें और स्पेस है वो रख देंगे और ब्लैंकेट भी रख देंगे। चलो तो फिर मिलते हैं बाद में। दिन का तो 26 दिसंबर का है, और फिर वो दिन मुझे मॉर्निंग से बहुत काम था, क्योंकि मुझे जाने से पहले सारे कपड़े धोने थे, क्योंकि आने के बाद वहाँ के पूरे बेधुले रहेंगे, इसलिए मैंने सारे अभी धो दिए और बर्तन, और फिर हाउस क्लीनिंग फिर था क्योंकि फिर बंद रहेगा रूम, तो उस वजह से पूरा जाले वगैरह ना हो जाए, तो पूरा काम आज मैं काम में ही बिजी थी। कल रात में पैकिंग वैकिंग सब लोग ने कर दिए, वसीम ने ज़्यादा हेल्प की है, वैसे वो पूरा दिन रहते नहीं है तो पूरा सब कुछ मेरे को ही देखना पड़ता है। वो जॉब पे से आने के बाद में उनको बिल्कुल टाइम नहीं रहता, क्योंकि ट्रैवल में ही उनको इतना टाइम चला जाता है, तो 11:30-12 o'clock तो उनको बच जाता है आते आते, पर फिर भी उन्होंने मेरे साथ पैकिंग में हेल्प की, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ही हेल्प। तो आज है 26 और ओनली 2 days लेफ्ट। पूरे इनको देखो, क्यों क्या हो गया आपको? 26 से और बचा है सिर्फ 2 दिन अजमेर जाने के लिए, तो वसीम ने कहा कि आप अपनी शॉपिंग पे करो फुल स्टॉप और पैकिंग करो स्टार्ट। और पैकिंग तो ऑलमोस्ट कल हो गई है, थोड़ी सी 20-10% बाकी है, जैसे कि मतलब जो ट्रैवल के लिए मेडिकल आइटम्स लेना है जो भी है वो सब बाकी है, और घर का क्लीनिंग था और मेरा स्किन केयर रूटीन था, तो घर का तो मतलब क्लीनिंग तो मैंने कर दिया था 2-4 दिन पहले, पर आज पूरे कपड़े थे, तो ये देखो मैंने पूरे कपड़े भी धो लिए, आपको मैंने बताया ना पहले, तो कपड़े वो सब धो लिए। आज मैं लगा लूँगी मेहंदी, क्योंकि बच्चा सिर्फ 1 दिन है, कल का 26 भी ख़त्म ही हो गया, शाम हो गई है, सुबह से तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं पूरे काम में ही बिजी थी, कपड़े थे, बर्तन थे और हाउस क्लीनिंग था, काफ़ी ज़्यादा काम था, और मुझे जल्दी करके हटना था क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी है आज, क्योंकि कल का 1 ही दिन बचेगा, फिर कल 1 दिन ऐसा रहेगा कि जो भी आपका थोड़ा मोड़ा बाकी है वो सब मुझे रेडी करना रहेगा, ठीक है? तो आज मैं मेहंदी लगा के हटा दूँगी, आज मेरी फ्रेंड आ रही है मुझे मेहंदी लगाने के लिए, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगी तो मैं फिर मेहंदी लगा लूँगी। मेरी सोनी को भी मेहंदी लगाऊंगी, आप लगाएंगे ना? नहीं नहीं बोलती, देखो लाडो, मम्मा आपको लगाऊंगी मैं मेहंदी, ये छोटे छोटे से हाथ में, फिर इसमें मैं आपको चूड़ी पहनाऊंगी ना। नहीं। हम लोग अजमेर जा रहे ना मम्मा? नहीं। आप अच्छे बच्चे हो ना? नहीं, नहीं हो? क्यों रो रहे आप? अगर आप ऐसा रोएंगे तो आप सताएंगे, तो मम्मा मेहंदी कैसे लगाएंगे? ऐसी मैं लगाती नहीं हूँ जल्दी, हो गया ना 10 बार सोचना पड़ता है लगाने के लिए, मैं जल्दी लगा भी नहीं पाती हूँ। मतलब ईद में भी मुश्किल से, देखे थे आप लोगों ने ईद में भी, मैंने खुद अपने एक हाथ पे रात में 2 बजे मैंने मेहंदी लगाई थी, बकरीद में तो वो भी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया आमिना ने, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, अगर आप सबको लगानी है तो कॉन्टैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आपको डिज़ाइन भी दिखाती हूँ, रुको मैं बैक कैमरे। तो ये आमिना के डिज़ाइन्स है, देखो काफ़ी अच्छी लगाती है, वैसे मुझे इतनी लगानी थी बट वो ब्राइडल वगैरह सब लगाती है, और अभी पूरी डिज़ाइन्स होने के बाद में भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखो वही कपड़े, तो मेहंदी देखो लग गई है, आप लोगों को कैसी लग रही है? डिज़ाइन्स बहुत अच्छी लगाई है आमिना ने,
और इसका प्रॉपर मैं ना आप लोगों को फोटो भी और वीडियो दिखा दूंगी। तो अगर इसका आपको नंबर दिखा देता हूँ जैन बैक करो। इधर कोई मेहंदी लगा के बहुत रो रहा है, वो सो रही थी और मैंने उसको लगाई पर उसकी आंख खुल गई गिले में ही। और फिर देखो क्या सिचुएशन है, जस्ट वेट मैं दिखाती हूँ आपको लाइव। रोना चालू है हम लोग का, दोनों हाथ और पैर से हम लोग स्टॉप हो गए। मुझे देख रही ये क्या कर रही है मम्मा ने मेहंदी मेहंदी लगा के बच्चे को, आंसू नहीं रुक रहे, नाक नहीं रुक रही है, बस रोना आ रहा है कि बस पोछ दो, दोनों पैर दोनों हाथ में, डिजाइन भी खराब हो गई, बस कलर आने से मतलब है अभी। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, अच्छी लगती है। विंटर का सीजन आ गया, स्ट्रॉबेरी आ गई है एंड बहुत बड़ी बड़ी साइज में है। वैसे आपको लो, आपके लिए ला आपके अब्बा ने स्ट्रॉबेरी, खाओ आप खाओ। अच्छी है, आपको भी स्ट्रॉबेरीज पसंद है ना रुजैन। तुम क्या कर रहे लालो, क्या है वो, पहले आप बोलो स्ट्रॉबेरी। वाह बोले मेरी बेटी, कितने सवाल जवाब कर रही है। अरे मत दो भाई, नहीं नहीं देर ना बैठेगी चुपचाप। चॉकलेट खाई ना तू? हेलो वो सिंह वाले इतना चम्मच आने में लिखा ही नहीं है। ये बच्ची मैडी कल में बैठ गई है ऊपर और ये हम लोग ये सब सामान लेने आए ट्रैवल की, मतलब दवाई और ये लोशन वगैरह। और ये यहाँ पे क्या चाहिए लाडो आपको, क्या है वो हेलो आ रहा आ रहा मैं यार। तो फिर सामान लेना था, ये सब ज़रूरी था। दवाई है इसमें कुछ बच्चों के, जैसे सर्दी है कोल्ड कफ की दवाई है, क्रोसिन वगैरह पेन किलर हम लोगों के लिए भी लिया है और ये सारी लोशन और पाउडर बच्चों के लिए, विंटर है उस हिसाब से सब मेडिकल का सामान भी ज़रूरी था ट्रैवल के लिए। ये तो मेरे लिए लेके आए क्योंकि मैंने बोली थी कि मतलब ट्रेन में कैसे हवा जाएगी कान में, तो ये आइटम्स मैंने नहीं लेके आई थी विंटर के, जो भी थे ये टोपी सॉक्स वगैरह ये उन्होंने खुद लेके आए, ये आते वक्त तभी उन्होंने लेके आए। तो ये मैंने मंगाई थी क्योंकि मेरे पास पिछले साल की टोपी रखी है, मतलब ब्लैक वाली बहुत अच्छी है वो, तो मैंने फिर मना की थी। फिर ये सॉक्स है उरेन के लिए, ये सॉक्स लेके आए। फिर ये उरेन के लिए टोपी बहुत क्यूट है, ये टोपी भी, और उरेन के लिए ये टोपी भी लेके आए, ये वाली है। फिर सॉक्स लेके आए, कुछ लेडीज सॉक्स लेके आए वसीम ने, हम चार है मतलब बस इनकी मम्मी मेरे लिए हम लोग के लिए हो जाएंगे ये। और ये वाले सॉक्स जेंट्स लेके आए उन्होंने, सब दो दो चार चार जोड़ी लेके आए। ये मिजान रुजैन के लिए एक सॉक्स लेके आए हैं, भी मिजान की और रुजैन के लिए एक मरून, एक के लिए ब्लैक, अब दोनों में से कौन सी कौन लेगा पता नहीं। और ये वाली टोपी वसीम अपने पप्पा के लिए लेके आए हैं, एक और टोपी ये है उरेन के लिए, बांधने वाली एक लिखे है कैसी पहनने के लिए लिखे है। यहाँ पे करी मैं ब्लॉग का एंड क्योंकि बज गए रात के दो, कल रात से हम लोग ने ब्लॉग स्टार्ट किया था और रात में कर रहे थे पैकिंग, उसके बाद दिन भर काम था, पूरे दिन घर में काम था। 26 है क्योंकि आज, और 26 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए क्योंकि 12 बज के चले गए, तो मेडिकल में जाके आना और सब काम हो गया है आज का। और वेट करते हैं ब्लॉग का एंड, और आपको ये ब्लॉग के अलावा मैं ट्राई करूँगी अजमेर के सारे ब्लॉग्स की अपडेट एवरीडे डालने की, और उसको वो मैं उसका टाइमिंग कुछ रखूँगी, 1 बजे तक मैं अपलोड कर दूँगी अपने वीडियो। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करने का, ताकि आपको मेरे हर ब्लॉग के वीडियोस की नोटिफिकेशन जस्ट सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।